जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 30 एंड लाइंग बिटवीन 5/8 एंड 7/11। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, इसमें कौन सा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 30 है और वो इन दोनों के बीच में है। तो पहली बात तो अगर ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो वही मेरे को फ्रैक्शन मिलेगा जो इन दोनों के बीच में है। ये ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक होगा। और देखिए सबका जो डिनोमिनेटर है वो 30-30 है, न्यूमिनेटर मतलब 18 है, यानी कि डिनोमिनेटर मतलब इसको बोलते हैं हम लोग हर, और न्यूमिनेटर को बोलते हैं हम लोग अंश, यानी ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम लोग अंश और नीचे वाली की संख्या को बोलते हैं हर। तो देखिए इसमें 30-30 दे रखा है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई इसको इसको आप पॉइंट में चेंज कर लीजिए और इन सबको पॉइंट में चेंज कर लीजिए, तब इनके बीच देख लीजिए। एक तरीका ये है कि भाई देखो सबके बीच में 30 तो दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 तो बीच में आएगा ही आएगा। इस 8 को इस 18 से 19 से 20 से 21 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार। अगर ये 5 से जो बड़ा नंबर आ रहा होगा वो तो इसके बीच में रहेगा ही रहेगा, और फिर अगर आपको एक से ज्यादा दो नंबर मिलते हैं इससे बड़े तो फिर उस नंबर को यानी 30 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 11 को इस 18 19 20 20 21 से मल्टीप्लाई करके दीजिए। ये इसके अंदर होगा, अगर अंदर होगा तो आंसर वही होगा। चलिए आइए देखते हैं इसको, तब अच्छे समझ में आएगा। यहाँ मुझे दे रखा है इसने कि आपका 5/8 ये मुझे दे रखा है, और ये दे रखा है मुझे 7/11 दे रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि इसके बीच में चाहिए मुझे 30, 30 बाय में मैंने ऑप्शन लिया पहले एक 18, तो ये मेरे पास में 18 है। 18 अगर मैं यहाँ 18 रखूंगा तो 30 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो मेरे पास में 5 3 15, ये तो 150 आएगा ही आएगा क्योंकि हर किसी में 30 30 है। अब फिर अब मैंने क्या किया, अब इस 8 को मैं इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पर क्या लिया मैंने पहले ऑप्शन ए यानी 18 लिया। अगर मैंने यहाँ पे 18 लिया है आपका तो 18 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, आपका 8 से, तो 18 8 144 हो जाएगा आपका, 18 * 144 144। और 144 जो है वो इससे छोटा है, तो इसका मतलब इसके बीच में ये तो आ ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन ए तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। आएंगे बात करेंगे ऑप्शन बी की, तो सेम यहाँ पर 19 है, तो 19 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा आपका 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 19 * 152 152, यानी कि ये तो बड़ा आ जाएगा, 9 8 72 हाथ लेगा, 7 8 7 15 यानी कि 152, यानी कि ये तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा आएगा। अब जरा देखते हैं कि ये इससे छोटा है नहीं है दूसरे वाले से, चेक करते। तो ये 19 है, 19 को मैं डायरेक्ट इस वाले नीचे वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 11 से, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 30 है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, यानी कि 210 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 और ये 19, तो यानी कितना का 209, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 209 आएगी, यानी कि ये इससे छोटा है। इसका मतलब ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए आगे भी चेक करके देख लेते हैं क्या आगे वाला है या नहीं है। तो यहां पर दे रखा है आपका कितना 20, तो 20 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 8 से, तो 8 * 16 160, तो यानी कि ये इससे बड़ा है तो इससे छोटा होना चाहिए, तो 20 * 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा आपका 22, और ये कितना हो जाएगा आपका 11, ये कितना हो जाएगा आपका 20, और ये आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 220। इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 220 आ गया, और ये 210 होना चाहिए यानी कि ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। बात करेंगे इसकी 21 की, तो 21 * 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 * 8 = 16, यानी कि 150 से बड़ा है, ये हो सकता है। अब मैं इसे चेक करूंगा 21 * 11 से, तो 21 और 21 किया तो ये 231 आया, तो 231 जो है वो इससे बड़ा होगा 210 से, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आंसर तो बनेगा मेरे पास में क्या आपका ऑप्शन बी। चलिए आइए इसको एक बार और एक तरीके से और देखते हैं, कैसे देख चेक करते हैं। ये मुझे 5/8 दे रखा है, ये 5/8, तो पहले मैंने लिया 18/30 लिया। अब मुझे क्या देखना है, इससे बड़ा नंबर देखना है। जब इससे बड़ा नंबर देखना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा। जब इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस कितना आ मेरा 3। इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 18, यानी कि 2, और ये कितना आ जाएगा 12, यानी कि मुझे इनके बीच की गैप को इक्वल करना है। जब मैं इक्वल करूंगा तो इसको मुझे किसी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा मेरे पास में 4 * 20 20, तो यानी कि
ये 20 है और ये 18 है, तो इसका मतलब ये तो इससे बड़ा, ये छोटा है, बट मुझे तो इससे छोटा चाहिए, तो इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं होगा। बात करेंगे दूसरे वाले की, चेक कर लेते हैं। 5/8 बराबर में 19/ आपका 30, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 3, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 11, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को तो ये 55 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें ये 57 आ रहा है। इसका मतलब है कि देखिए ये वाला मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये 55 आ रहा है और ये 57 आ रहा है। अब जरा उससे भी चेक कर लेते हैं छोटे वैल्यू में भी, तो मेरे पास में 7/11 है ये, और ये कितना था मेरे पास 19/ कितना देखा था आपको 30 दे रखा था, मैंने इन दोनों का डिफरेंस दिखा 7/4 11, इन दोनों का डिफरेंस किया तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 11, इस 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 77 आएगा, इससे मल्टीप्लाई किया 76। अब ये देखिए ये 76 है यानी कि ये से छोटा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या देखा हम लोगों ने इसमें, जब हमने इसको सॉल्व किया कैसे सॉल्व किया, ये 5/8 है मेरे पास में, मैंने ऑप्शन में वही उठा रहा जो मेरे को जो मैंने निकाला, 19/30 है मेरे पास में और ये 7/11 है, तो मैंने इनके बीच का डिफरेंस देखा ये डिफरेंस 3 है, इसके बीच का डिफरेंस देखा डिफरेंस कितना मेरे पास में आपका ये 7/4 11, इनके बीच का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस मेरे पास कितना 11, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को जो आपने डिफरेंस निकाला न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बीच में उसको उनके ऊपर वाले यानी अंश यानी कि न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 5 55, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 70। ठीक है, अब पहले मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूँ, इन दोनों को, क्योंकि नहीं तो मेरे को पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों को चेक कर रहा हूँ मैं, तो मैंने इसे 11 से मल्टीप्लाई किया 55 हुआ, तो इसके गैप से इसको मल्टीप्लाई किया 19 57 57। अगर देखिए ये इससे बड़ा आ रहा है यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये इससे बड़ी वैल्यू होगी। अब इन दोनों में चेक करेंगे क्योंकि मुझे चाहिए इससे छोटा, तो जो इसकी ऊपर की वैल्यू इन दोनों कंपेयर करने पे ऊपर की वैल्यू छोटी आएगी वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इससे छोटा नंबर होगा जब आप चेक करेंगे अदर्स को। तो मैंने देखा इसको इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 19 4 76 होता है, इसको 76 इसको 4 से मल्टीप्लाई 76 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 11 77, तो देखिए ये छोटा है इससे, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से, ये मुझे 5 दे रखा है और यहाँ पर मुझे दे रखा है 8 दे रखा है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता क्योंकि मुझे पॉइंट में चेंज करना है इसे, तो 1000 से मैंने इसे नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 4 4 25 और ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 625, तो 0.625 मेरी वैल्यू होगी इसकी, 5/8 की वैल्यू आगी। अब 7/11, तो 7/11 मैं निकालूंगा इसका, तो डिवाइड करूंगा कितना 0.0 डालूंगा, तो 11 6 66, ये मेरे पास में 4 आएगा, फिर यहाँ उतारा तो 11 3 33 आएगा, तो यहाँ पर उतारा आपका 11 3 33, तो यहाँ बचेगा आपका 7, फिर यहाँ 0 उतारेगा तो 11 6 66 4 बचेगा, यानी कि जो वैल्यू आई मेरे पास में वो 7/11 की वैल्यू आई 0.636, ये वैल्यू आ गई। अब फिर क्या किया, अब वही सेम उसको चेक चेंज करते हैं हम, ये 18/30 था, इसको सोल्व किया 3 से तो ये 6/10 कितना 10 आया, इसको सोल्व करेंगे तो 0.6 आएगा, क्या है ये आपका ये 0.6, तो ये इससे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, बट ये तो 0.6 पे खड़ा हो गया, 25 है, तो इसका मतलब ये तो क्या है इससे छोटा है, तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। फिर मैंने इसको लिया 19 को, तो ये 19 है और 19 को मैंने 30 से डिवाइड किया तो ये आएगा 0.0 तारा, तो ये क्या हुआ 7 21 7 6 18 180, तो ये बचेगा 100 तारा, तो कितने पे जाएगा आपका 3 पे जाएगा, तो 3 3 90 जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 10 फिर 0 जाएगा 3 पे जाएगा, तो कितना आएगा 90, तो यहाँ देखिए 633। अब ये देखिए ये इससे बड़ा है क्योंकि 6 के बाद में 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इससे बड़ा है, बट यहाँ पर देखिए 0.63 है और यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर कितना 3 आ रहा है, यानी कि इससे छोटा है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।